हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है इस फॉर्मेटिव चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज एडवर्स इवेंट, एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड सीरियस एडवर्स ड्रग रिएक्शन। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है। तो चलिए विदाउट डिले आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज एडवर्स इवेंट? इट इज़ एन एनी अनटोल्ड मेडिकल ऑक्यूरेंस दैट मे बी प्रेजेंट ड्यूरिंग ट्रीटमेंट विद द फार्मास्यूटिकल्स बट विच डज नॉट हैव नेसेसरी हैव एन रिलेशनशिप विद द ट्रीटमेंट एंड मेनली ऑकर ड्यू टू मेडिकल एरर्स। सो गाइस, चलिए समझते हैं एडवर्स इवेंट को सिंपल लैंग्वेज में। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक पर्सन इन्वॉल्व है क्लिनिकल ट्रायल में एंड उसे इन्वेस्टिगेशन प्रोडक्ट दिया जा रहा है एंड ड्यूरिंग कंडक्ट ऑफ द स्टडी उसे कोई साइड इफेक्ट हो जाता है एंड जब क्लिनिकल ट्रायल टीम में चेक करती है उस साइड इफेक्ट के रीज़न का, उन्हें पता चलता है कोई ह्यूमन एरर रिस्पॉन्सिबल है फॉर साइड इफेक्ट, ना कि वो ड्रग जिसे उसने कंज्यूम किया है। तो इस सिनेरियो को बोलते हैं एडवर्स इवेंट एंड मोस्टली ये एडवर्स इवेंट ड्यू टू मेडिकल एरर्स या ह्यूमन एरर के वजह से ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फिजिशियन ने ह्यूमन पार्टिसिपेंट को 300 mg ऑफ IP कंज्यूम करने के लिए बोला था पर डे एंड बाय मिस्टेकली ह्यूमन पार्टिसिपेंट दो डोज ले लेता है ऑफ 300 mg उस मेडिसिन का, तो डेफिनेटली साइड इफेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एंड सिमिलरली क्लिनिकल ट्रायल टीम के एंड के थ्रू कन्फ्यूजन हो जाता है कुछ ड्रग के नाम में एंड वो गलत दवा दे देता है ह्यूमन पार्टिसिपेंट को, तो डेफिनेटली इस केसेस में साइड इफेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इससे ऐसे सिनेरियो को ही हम बोलते हैं एडवर्स इवेंट। सो गाइस, चले आगे बढ़ते एंड देखते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होता है। सो एडवर्स ड्रग रिएक्शन, इट इज़ ए रिस्पॉन्स विच इज़ नॉशियस अनइंटेंडेड एंड विच ऑटो एट डोज नॉर्मली यूज इन ह्यूमन फॉर द प्रोफाइलेक्सिस, डायग्नेसिस और थेरेपी ऑफ डिजीज और फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शन और मे हैव ए रिलेशनशिप विद द ड्रग। सो गाइस, जैसे कि हमने एडवर्स इवेंट में देखा था कि जो भी साइड इफेक्ट होते हैं उनका कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द ड्रग नहीं होता, बट इन एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो भी साइड इफेक्ट होते हैं वो मेडिसिन की वजह से ही होते हैं, ना कि कोई ह्यूमन एरर या मेडिकल एरर की वजह से होते हैं। एंड यही मेजर डिफरेंस होता है बिटवीन एडवर्स इवेंट एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड यही क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है ड्यूरिंग फार्माको विजिलेंस इंटरव्यू में। सो गाइस, इस डिफरेंस को ज़रूर याद करके जाना। सो गाइस, चले समझते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन को एग्जाम्पल के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक मेडिसिन है एंड वो कोई एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, हिमोरेज विथ एंटीकॉगुलेंट। जैसे कि हमें पता है कि एंटीकॉगुलेंट का मेन फंक्शन क्या होता है, ब्लीडिंग को स्टॉप करना, बट ऐसा कोई सिनेरियो हो जाए जिसमें ब्लीडिंग को स्टॉप करने के बजाय वो ब्लीडिंग को इंक्रीज कर दें, तो उसे कहते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, दैट इज़ अनवॉन्टेड फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ ए ड्रग, एफेक्ट ऑफ ए ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट सच एज ब्लड आइस, टैकीकार्डिया एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसा कोई ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है जिसका मेन फंक्शन होता है कि जो भी एंग्जाइटी है या डिप्रेशन उसको रिड्यूस करें, बट अपने मेन फंक्शन के अलावा कोई अगर साइड इफेक्ट शो कर देता है लाइक ब्लड आइस, टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया क्या होता है? दैट इज इंक्रीज इन द हार्ट रेट। तो उस सिनेरियो को बोलते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन। सो गाइस, हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि जो भी साइड इफेक्ट होते हैं वो डायरेक्टली ड्रग के वजह से ही होते हैं, ना कि कोई ह्यूमन या मेडिकल एरर की वजह से होते हैं, इसलिए उन्हें एडवर्स ड्रग रिएक्शन कहा जाता है। सो गाइस, आगे चले आगे बढ़ते हैं, देखते हैं व्हाट इज सीरियस एडवर्स ड्रग रिएक्शन। इट इज़ एन एनी अनटोल्ड मेडिकल ऑकरेंस दैट ऑटर एट एनी डोजेस रिजल्टिंग डेथ, लाइफ थ्रेटनिंग, रिक्वायर पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन और रिजल्टिंग सिग्निफिकेंट डिसेबिलिटी और रिजल्टिंग बर्थ डिफेक्ट। तो इस सिनेरियो को बोलते हैं सीरियस एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो ये काफ़ी सिंपल है कि अगर कोई मेडिकल ऑर्गेनिज से साइड इफेक्ट होता है एट एनी डोजेस जिसकी वजह से उस जो भी ह्यूमन पार्टिसिपेंट है उसकी डेथ हो जाती है या उसका जान खतरे में पड़ जाता है या उसे कोई हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता है या उसकी वजह से कोई सिग्निफिकेंट डिसेबिलिटी या कोई उसका बॉडी पार्ट से काम करना बंद कर देता है, तो उस सिनेरियो को बोलते हैं सीरियस एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो गाइस, चले इस टॉपिक को एक बार फिर से समराइज करते हैं। तो हमने देखा कि व्हाट इज एडवर्स इवेंट, जिसमें जो साइड इफेक्ट होता है वो डायरेक्टली ह्यूमन एरर या मेडिकल एरर की वजह से होता है। व्हाइल कमिंग टू द एडवर्स ड्रग रिएक्शन, इसमें साइड इफेक्ट जो होता है वो नॉर्मल डोज भी होता है, बट जो भी साइड इफेक्ट होते हैं वो ड्रग की वजह से होते हैं। व्हाइल कमिंग टू द सीरियस एडवर्स ड्रग रिएक्शन, इसमें जो भी मेडिकल ऑक्यूरेंस होता है जिसकी वजह से जो ह्यूमन पार्टिसिपेंट की डेथ हो जाती है या उसकी जान खतरे में पड़ जाती है, तो उस सिनेरियो को बोलते हैं सीरियस एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो गाइस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिन्हें फार्माको विजिलेंस में कैरियर बनाना है, तो फिर मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से याद करके जाइएगा एंड होप करता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल की होगी ये टॉपिक को समझने में। सो गाइस, ये था आज का हमारा वीडियो एंड मैं इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि हमने टेलीग्राम चैनल बनाया जिसमें जो भी फार्मा रिलेटेड डेली अपडेट्स हैं या जो भी हम जो कोर्स लेके आते हैं उससे रिलेटेड रेफरेंस मैटर हम शेयर करते रहते हैं,
अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उस टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हो एंड उनकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। एंड ऑल्सो हमने क्लिनिकल ट्रायल डॉक्यूमेंटेशन डोज से रिलेटेड 6 से 7 वीडियो हमने ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उन वीडियो को भी देख सकते हो एंड उनकी भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। सो गाइस टिल देन आप अपने आपका और अपने परिवार का ख्याल रखिए एंड टिल देन बाय बाय।